इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना महामारी संकट के बीच आखिरकार डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई है। रोहतक पीजीआई ने राहत की खबर देते हुए वैक्सीन के ट्रायल पर सफलता पाई है। पहले चरण के पहले पार्ट में 20 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया जो सफल रहा। अब पहले चरण का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है जिसमें 6 लोगों पर वैक्सीन इस्तेमाल की गई। डॉक्टरों का कहना है कि पहले चरण में 13 संस्थानों में 375 लोगों पर यह ट्रायल होना है, जिनमें 50 लोगों पर ट्रायल हो चुका है जो सफल रहा है। ट्रायल कर रहे डॉक्टरों की टीम ने लोगों से अपील किया है कि वो पहले चरण के दूसरे पार्ट में ट्रायल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके लिए बकायदा एक नंबर भी जारी किया गया है, 9416447041 नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे उनको ट्रायल में शामिल किया जाएगा। हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से पहले 50 करने थे जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ वन का वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं, उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ वन का पार्ट टू शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है, और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ वन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके।